और जैसा कि आपको मालूम है कि आज से कुछ साल पहले ये ट्रेंड था कि फैमिलीज जब भी डिफरेंट मार्केट्स को शॉपिंग की गर्ज से अप्रोच करती थी या फिर डिफरेंट फूड स्ट्रीट मार्केट्स को उन्होंने अप्रोच किया है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी इनडोर सिटिंग को एंजॉय करना। अगर आप ये रेस्टोरेंट बाय करते हैं तो आपको फुटफॉल अच्छा मिल रहा है, आपको 1.5 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा है, आपको लोकेशन बहुत ज़बरदस्त मिल रही है, वाइड पार्किंग मिल रही है आपको, और इसके अलावा लोगों की डिमांड भी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी हाई पोटेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर आया हूं जिसका पोटेंशियल अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के किसी भी शहर में या फिर पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में फूड रिलेटेड बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, फूड रिलेटेड बिजनेस के साथ एसोसिएट हैं, या फिर फ्यूचर में अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी अब हाई राइज का ट्रेंड आ चुका हुआ है और डिफरेंट डेवलपर्स आपको हाई राइज बिल्डिंग्स के रूफ टॉप के ऊपर रूफ टॉप गार्डन और रेस्टोरेंट्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी को एक अच्छे खासे रेंट के बस एक्वायर करते हैं और वहाँ पर अपना बिजनेस रन करते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट को अपने प्रॉफिट में से निकाल कर रेंट की सूरत में करते हैं डेवलपर्स को। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज से कुछ साल पहले ये ट्रेंड था कि फैमिलीज जब भी डिफरेंट मार्केट्स को शॉपिंग की गर्ज से अप्रोच करती थी या फिर डिफरेंट फूड स्ट्रीट मार्केट्स को उन्होंने अप्रोच किया है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी इनडोर सेटिंग को एंजॉय करना, और वो ज्यादा कंफर्टेबल भी फील करते थे। लेकिन अभी ट्रेंड इंटायरली चेंज हो चुका हुआ है क्योंकि लाहौर सिटी के अंदर या फिर पाकिस्तान में किसी भी दूसरी सिटी के अंदर आपको ज्यादातर आउटडोर कैफेज मिलते हैं, आउटडोर सेटिंग मिलती है जिसमें आपको 360 एंगल से नाइट विजुअल्स आप एंजॉय करते हैं और अपना लगे टाइम स्पेंड करते हैं और आप फ्रेश एयर को एंजॉय करते हैं। सो आज की वीडियो में जो प्रॉपर्टी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये बहरिया टाउन के दिल मतलब बहरिया टाउन के वेरी फर्स्ट कमर्शियल हब सेक्टर सी के अंदर फॉल करती है और आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे ऑफर की जा रही है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि बहरिया टाउन के दिल सेक्टर सी के अंदर 165B कमर्शियल प्लॉट के ऊपर आपको वीस्टा कॉन्रेड टावर बना के दिया जा रहा है, और इसके बिल्डिंग के लेआउट प्लान को भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ जिसमें बेसमेंट ग्राउंड प्लस 6 स्टोरीज ये बिल्डिंग है। डेवलपर्स की तरफ से यहाँ पर आपको 6 फ्लोर के ऊपर एक रेस्टोरेंट की स्पेस ऑफर की जा रही है, और अगर मैं इसको स्क्वायर फीट के अंदर देखूँ तो तकरीबन 1989 स्क्वायर फीट ये पूरी स्पेस है, और अगर मैं इसको मरलास के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दूँ तो तकरीबन 9 मरला की ये स्पेस बन रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी इस रेस्टोरेंट को फुल पेमेंट के साथ या इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ बाय करेंगे उनको रूफ टॉप गार्डन की जो स्पेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री डेवलपर्स की तरफ से दी जा रही है। बताना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पे कोई भी ऐसा कंपेटिटर नहीं है जहां पर 6 फ्लोर पे या फिर रूफ टॉप के ऊपर आपको सिटिंग ऑफर की जा रही हो रेस्टोरेंट के पर्पस के लिए। सो, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो बहरिया टाउन के इस सेक्टर सी कमर्शियल हब के हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त कमर्शियल हब है जहाँ पर ऑलरेडी आपको 100 प्लस ब्रांड्स अपने बिजनेसेस को ऑपरेशनल करते हुए नज़र आएंगे, जिसमें आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिलते हैं, नेशनल ब्रांड्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा लोकल ब्रांड्स भी हैं। तो फुटफॉल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप पूरे दिन में कभी भी रेंडम विजिट करें तो आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फुटफॉल मिलता है, और लोगों की ये डिमांड भी है। हम हमेशा से आपको ये बताते हैं कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय करें जो डिमांड बेस्ड हो, जिसकी लोकेशन अच्छी हो और जिसका आउटपुट आपको अच्छा मिले। तो 165B कमर्शियल प्लॉट की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके हवाले से आपको ये अपडेट करना चाहूँगा कि इसका 1.5 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान है, जस्ट 30% डाउन पेमेंट के साथ आप इस 9 मरला स्पेस के रेस्टोरेंट को बाय कर सकते हैं। आप इसका पेमेंट प्लान मुलाहिजा कीजिएगा, 6 फ्लोर पे आपको 9 मरला स्पेस का जो रेस्टोरेंट डेवलपर्स की तरफ से ऑफर किया जा रहा है 1.5 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, इसकी टोटल अमाउंट है 7 करोड़ 95 लाख 60 हज़ार रुपये,
और इसकी डाउन पेमेंट है 2,38,68,000 रुपये। बाकी आपका 1.5 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान है। सो अगर आप ये रेस्टोरेंट बाय करते हैं तो आपको फुटफॉल अच्छा मिल रहा है, आपको 1.5 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा है, आपको लोकेशन बहुत ज़बरदस्त मिल रही है, वाइड पार्किंग मिल रही है आपको, और इसके अलावा लोगों की डिमांड भी है। वो ऐसे रेस्टोरेंट्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, और बैरिया की अगर आबादी के हवाले से बात की जाए तो 5 से 6 लाख की ऐसी आबादी है जो इस सेक्टर सी कमर्शियल को अप्रोच करती है रेगुलर बेसिस पे, तो ये उनकी डिमांड है। और यहाँ पर जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप इस 6th फ्लोर के ऊपर जो भी रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, आप उसमें फ़ास्ट फूड का सेटअप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे स्टेक का सेटअप लगा सकते हैं, आप कॉन्टीनेंटल फूड दे सकते हैं, चाइनीज़ फूड आप यहाँ पर दे सकते हैं, और इसके अलावा मल्टीपल ऐसी ऑप्शन हैं जैसे आप टी कॉफ़ी रेस्टोरेंट बना सकते हैं, रूफ टॉप को जो सिटिंग आपको ऑफर की जा रही है उसको लोग इन्जॉय करेंगे और एक अपना लेजर टाइम स्पेंड करेंगे। सो आपके पास ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वीस्टा कॉन्ड्रेड टावर 1 के अंदर आप इस रेस्टोरेंट को बाय कर सकते हैं 1.5 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, और इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द बताएंगे कि वीस्टा कॉन्ड्रेड टावर की जो अर्थ ब्रेकिंग है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम है, वो बहुत जल्द होने वाला है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये अपडेट किया था कि डेवलपर्स की तरफ से और बैरिया टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से इस प्लॉट की डिमार्केशन का काम कर दिया गया है, और इंशाल्लाह यहां पर 1.5 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको टाइमली डिलीवरी भी मिलेगी, जिसकी फ्रंट एलिवेशन इंतहाई खूबसूरत है। पूरे कमर्शियल हब के अंदर या फिर बैरिया के अंदर अभी तक इस तरह की एलिवेशन की कोई भी बिल्डिंग नहीं आई है जो कि बी हाइव एलिवेशन के साथ आपको ऑफर की जा रही है। वीस्टा कॉन्ड्रेड टावर के हवाले से आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, या फिर आप यहाँ पर बाइंग करना चाह रहे हो कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल यूनिट के अंदर या फिर रेस्टोरेंट के अंदर, तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए, ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिएगा इजाज़त, एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।